राजस्थान के सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उदयपुर के एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वे 65 वर्ष के थे। बता दें कि मीणा को कल रात सीने में दर्द की शिकायत के बाद उदयपुर के एमबी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मीणा 2013 से 3 बार विधायक रहे हैं। वहीं अमृतलाल मीणा के निधन के बाद राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या घटकर 114 रह गई है। मीणा के निधन के बाद प्रदेश भाजपा में शोक का माहौल है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर दिल्ली से उदयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। उधर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी दुख जताया है। और अचानक ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और हृदयघात की वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये पार्टी के लिए भी, उस क्षेत्र के लिए भी और मेरे लिए व्यक्तिगत भी एक बहुत बड़ी क्षति है। वो उस क्षेत्र के ही नहीं, वो लगातार क्षेत्र में विकास के नए आयाम उन्होंने स्थापित किए और वो डाउन टू अर्थ एक जमीनी नेता थे। वो एक कुशल अच्छे कार्यकर्ता भी थे, तो कुशल संगठक भी थे, तो एक लोकप्रिय जननेता भी थे। वो लगातार उस क्षेत्र से, उस विधानसभा से प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर रहे हैं और उन्होंने विकास के भी कई आयाम स्थापित किए। जनता के सुख दुख में भी लगातार भागीदारी रहते थे। आज अचानक ही उनका जाना और स्वस्थ थे बिल्कुल। दिल्ली भी जब भी आते थे और वहाँ भी रहते थे और मुझे ध्यान है अध्यक्ष रहते हुए मैंने जब भी उनसे आग्रह किया कहीं चुनावी क्षेत्र में जाने के लिए, तो उन्होंने सहज ही बोले पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है। वो वहाँ जाकर पार्टी को विजयश्री के लिए काम करते थे और मैं सोचता हूँ इतने सहज और सरल थे, चाहे वहाँ रहने की चाहे और कोई व्यवस्था होनी हो, वो कार्यकर्ता के घर पर उठकर भोजन भी वहाँ करते थे। कभी कोई सुविधा की, कभी कोई और चीज़ की ध्यान नहीं रखा। वो लगातार एक साधारण कार्यकर्ता बनकर पार्टी के लिए काम करते थे। वो हमारे क्षेत्र के निवाड़ वागड़ के एक लोकप्रिय नेता थे, जन नेता थे। आज उनका जाना हम सबके लिए बहुत बड़ी क्षति।